अयोध्या अखिलेश मिले हैं अयोध्या गैंगरेप पीड़िता, बता दे पुलिस पर लगाया है केस वापस लेने का आरोप। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की आज दो जनसभाएं, श्रीनगर और कटरा की जनता को करेंगे संबोधित। बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने करीब 80 घरों में आग लगा दी, घटना के बाद सियासत तेज हुई। हरियाणा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी, चुनाव संकल्प पत्र में 20 वादे। अखिलेश यादव ने एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स दिया करार, उन्होंने फोर्स में एक खास जाति की तैनाती पर भी सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। अयोध्या के राम मंदिर में सफाई करने वाली दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया गया और 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। आपको बता दें कि गैंगरेप पीड़िता ने समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की है और सपा नेता पवन पांडे ने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में पीड़िता की सपा प्रमुख से मुलाकात करवाई है, जहां पीड़िता ने अखिलेश यादव को घटना के बारे में बताया और न्याय की गुहार लगाई। बलिया में इस वक्त सरयू नदी अपने उफान पर है, जिसके चलते अब ये नदी भयंकर तबाही मचा रही। वहीं NH-31 यूपी की सीमा स्थित मांझी बैरिया रोड चांद दियर पुलिस चौकी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लगभग 100 मीटर की चौड़ाई में मुख्य मार्ग सरयू में विलीन हो चुकी है। नदी के भयंकर सैलाब के बीच कई लोग बीच गांव में फंस चुके हैं, जिन्हें बचाने के लिए NDRF की टीम को तैनात किया गया। वहीं NH-31 जो भयंकर बारिश की चपेट में चढ़ चुका है, उसका जायजा लेने के लिए अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। 2000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें अभी तक तो सूचना मिली है कि कोई आम जन की हानि नहीं हुई, लेकिन अगर समय से रेस्क्यू नहीं किया जाएगा तो नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन समाज के विभिन्न पार्टियों के विभिन्न लोगों के विभिन्न समाज सेवी आप जैसे पत्रकार बंधु लगे हैं, सर शासन प्रशासन के भी लोग लगे हैं जिसमें काम चल रहा है कोई क्षति होने की। जो मूल विषय है वो NH का संपर्क टूट गया है, तमाम जैसे हॉस्पिटल जाने वाले लोग हैं, दवा इलाज गैस की गाड़ियां हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जो अभी अवरुद्ध पड़ी है। यहाँ देखिए सबको अपना बात ये बातें हैं, लेकिन बाढ़ का प्रेशर जो है आपदा है आई है, हम सब लोग को मिल करके इस तरह से किस तरह से रेस्क्यू लोगों को किया जाएगा। पूरी तरह से आवागमन ठप है, नपी बजा जो जहाँ है वहीं घिरा पड़ा है। यहाँ तत्काल शासन से अनुरोध है कि हम व्यवस्था किया जाए, समस्या है आ गई है, इस तरह से किससे निदान पाया जाए इस पर पत्रकार बंधु हम लोग को मिलजुल कर काम करना है और हम लोग इस पर लगे हैं। और रात की जल निगम वाला जो पाइप का जो भी कार्य हुआ है जी, वो सही ढंग से नहीं कार्य किया गया है। पाइप बैठाने के बाद जो है माटी को दबाया नहीं गया दोनों तरफ में, बाएं और दाहिने, इसी के वजह से जो है ये बंध टूटा हुआ है। और इसमें कुछ कर्मचारियों की लापरवाही से ऐसा हुआ है, निगरानी नहीं कर पाया। पहले से अगर निगरानी किया होता तो इस तरीके से दासन नहीं।